यहाँ पर अलर्ट था और उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन देखिए थोड़ी यह भीड़ देख लीजिए किस कदर यह भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है। महिलाएं हैं इसमें और लेकिन यूथ जो है वो सबसे ज्यादा हैं। और मनीष कश्यप तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से निकले मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिहाई हो गई। मनीष कश्यप बेऊर जेल से बाहर निकल गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था, समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बेऊर जेल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देखिए इंतजार मनीष कश्यप का किया जा रहा था और मनीष कश्यप बेऊर जेल से बाहर निकल गए हैं। और जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका स्वागत होगा और मनीष कश्यप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक बेऊर जेल के बाहर मौजूद और अब उनको सुरक्षित यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब उनको यहां से आज जो कार्यक्रम है उसमें वो बेतिया जाएंगे, लेकिन फिलहाल अब मनीष कश्यप जो है वो तस्वीरों में नजर, चारों तरफ एक भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और उनकी एक झलक पाने की कोशिश है। मनीष कश्यप आखिरकार 12:25 पर, लगभग 12:25 में वो बेऊर जेल से बाहर निकले और लगातार पैदल ही आगे बढ़ते हुए, और किस कदर ये भीड़ है इस भीड़ का आप अंदाजा लगाइए, जो एक झलक पाने के लिए आतुर है। और कोशिश है कि मनीष कश्यप सबसे मिलने, वो भी चेहरे पर काफी मुस्कान, काफी हंसी दिख रही है। और मनीष कश्यप की कोशिश है कि वो जितने भी समर्थक प्रशंसक उनके पहुंचे हैं उनको वो मायूस ना होने दें। और फूल माला जो है वो लगातार उनको पहनाए जा रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है और बिल्कुल वो वक्त आ गया है जब मनीष कश्यप आखिरकार 9 महीने के बाद, मार्च में उन्होंने सरेंडर किया था और 9 महीने के बाद वो अपने गांव बेतिया पहुंचेंगे। और धीरे धीरे मनीष कश्यप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए अब मनीष कश्यप बढ़ेंगे, अभी बाहर आ चुके हैं, आगे बढ़ते हुए मनीष कश्यप वो चाह रहे हैं कि प्रशंसकों को वो दो शब्दों से उनकी भावनाओं का कद्र करें, लेकिन फिलहाल प्रशंसक जो हैं वो उनकी एक झलक पाने को आतुर। 9 महीने की लंबी अवधि, मार्च में उन्होंने बेतिया में कोर्ट में सरेंडर किया था, जो उनका एक मामला चल रहा था बेतिया में ही उनके घर पर, और अब निकलेंगे जहां पर उसके बाद वो पहुंच गए थे, चेन्नई पहुंच गए थे, चेन्नई जेल में बंद थे। हाई कोर्ट ने उन्हें हाल में जमानत दिया। अब देखिए किस कदर जो समर्थक हैं वो व्याकुल हैं, मनीष कश्यप की एक नजर पाने के लिए काफी संख्या में समर्थकों का हुजूम यहां पर बेऊर जेल के बाहर, और कोई बुके भी लिए हुए है, कोई फूल लिए हुए है, कोई माला लिए हुए है, और हर एक की कोशिश है कि वो मनीष कश्यप को अपने फूल माला से उनका अभिवादन करे। और फिलहाल देखिए मनीष कश्यप जो है यहाँ पर लोग जो सेल्फी लेने के लिए भी काफ़ी परेशान हैं, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेऊर जेल के बाहर की तस्वीर है, तकरीबन 12:25 का वो समय। और देखिए अब यहाँ पर मनीष कश्यप जो है वो एक गाड़ी में सवार हो रहे हैं, तस्वीरों में देखिए मनीष कश्यप गाड़ी में सवार होते हुए, और यहाँ पर देखिए किस कदर लोगों की भीड़ है। सबसे आगे मनीष कश्यप जो है वो उनको माला पहनाया जा रहा है और अब उनकी गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी। मनीष कश्यप आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे, और उनके समर्थकों का हुजूम उनके साथ जो है वो लगा हुआ है। मनीष कश्यप जो समर्थक हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो आज बेतिया के लिए रवाना होंगे, अपने गांव जाएंगे, अपनी माता जी से मिलेंगे, और फिर नौ महीने की जो अवधि थी कैसे काटा मनीष कश्यप ने ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मनीष कश्यप एक खुली गाड़ी में सवार हुए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उस गाड़ी में साथ में हैं, और अब मनीष कश्यप की गाड़ी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। काफ़ी संख्या में जो यूथ हैं यहाँ पर उनके हाथों में मोबाइल है, और एक तस्वीर मनीष कश्यप
के साथ वो खींच लेना चाहते हैं। और इस वक्त तस्वीरों में देखिए वही गाड़ी जिस पर उनके सपोर्टर्स तैयार हैं। और अब मनीष कश्यप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ चल रहे हैं। और अब मनीष कश्यप की गाड़ी जो है वो देखिए किस तरह लोग अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा अवसर, मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर वो सोच रहे थे कि कब उनकी रिहाई होगी, आखिरकार वो वक्त आया और आज 23 दिसंबर को वो रिहा हुए हैं पटना के बेउर जेल से। उनके समर्थक इस कदर वहाँ जुटे हुए हैं कि उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और लगातार जो सपोर्टर्स हैं मनीष कश्यप भी लोगों को मना कर रहे हैं कि आप थोड़ा कंट्रोल में रहें, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। देखिए वो फिलहाल अभिवादन करते हुए मनीष कश्यप, तस्वीरों में देखिए मनीष कश्यप को अभिवादन करते हुए मनीष कश्यप फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और जो सपोर्टर्स हैं वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इस कदर उनमें उत्साह है। और ये भीड़ फिलहाल जो उत्साह है वो भारी है। एक तिरंगा लिया मनीष कश्यप ने अपने हाथों में और उनके सपोर्टर्स लगातार देखे तिरंगा हाथों में लिया मनीष कश्यप ने और तालियां बज रही हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेउर जेल के बाहर की यह तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा पा रहे हैं। और जितने यहाँ पर उनके प्रशंसक हैं सबके हाथों में मोबाइल है और सब इस तस्वीर को कैद कर लेना चाहते हैं। मनीष कश्यप देखिए तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए मनीष कश्यप जो है वो लगातार यहाँ पर खड़े हैं। और तस्वीरों में देखिए लोग जो हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं, फूलों की भी बारिश हो रही है इस वक्त तस्वीरों में देखिए। और मनीष कश्यप की एक झलक पाने के लिए जो व्याकुल हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं, प्रशंसक हैं, समर्थक हैं वो लगातार उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो माला है वो लगातार पहनाई जा रही है और बातचीत भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कदर भीड़ उमड़ी हुई है कि वहाँ उनसे बात करना मुश्किल नहीं है। लगातार देखे चेहरे पर अब हंसी, कभी आंसू कभी हंसी, जाहिर सी बात है किसी के लिए भी भावनाओं को रोक पाना काफी मुश्किल होता है। और देखिए मनीष कश्यप को हम आपको सीधे तौर पे दिखा पा रहे हैं, मनीष कश्यप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और 12:25 का वो वक्त था जब वो बाहर निकले थे, उनके सपोर्टर्स हैं खुली गाड़ी में मनीष कश्यप और उनके सपोर्टर्स लदे हुए हैं। अब देखिए मनीष कश्यप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनके सपोर्टर्स भी हैं और धीरे धीरे ये जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ मनीष कश्यप का। फूलों की बारिश लगातार हो रही है यहाँ पर और तस्वीरों में देखिए बिल्कुल नज़दीक से मनीष कश्यप हाथ मिला रहे हैं, जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं वो हाथ भी मिला रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक जो उत्साह का माहौल है पूरे सवाब पर दिख रहा है यहाँ पर बेउर जेल के बाहर। माला जो है लगातार उनको पहनाया जा रहा है और अब मनीष कश्यप जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने काफिले के साथ। और इस वक्त उनकी गाड़ी जो है रुकी हुई है क्योंकि सपोर्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि गाड़ी को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। और धीरे धीरे उनके सपोर्टर्स जो है वो आगे बढ़ते हुए मनीष कश्यप की गाड़ी भी आगे बढ़ रही है। मनीष कश्यप के समर्थन में लगातार नारे लग रहे हैं। मनीष देखिए यहाँ पर बिल्कुल तस्वीर देखिए हाथ जोड़ते हुए मनीष कश्यप चेहरे पर मुस्कान और हंसी। 9 महीने कारावास काटने के बाद, जेल की सजा काटने के बाद आखिरकार मनीष कश्यप बाहर निकले हैं और अब उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, सपोर्टर्स भी लगातार उनके साथ चल रहे हैं। तो ये हम आपको सीधी तस्वीर दिखा पा रहे हैं और देखिए ये तस्वीर बेउर जेल के बाहर की है जहां पर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए हैं और अब उनका काफिला जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। आज ही उनको अपने गांव बेतिया जाना है जहां पर उनके स्वागत के लिए लोग व्याकुल हैं, आतुर हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार मनीष कश्यप का काफिला जो है
तमिलनाडु जेल की आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ऊपर है चेन्नई में मदुरई जेल में अभी सजा काटी और अब उनके समर्थक जो हैं वो गाड़ी चारों तरफ से घेरे हुए हैं और लगातार मनीष कश्यप की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। और तस्वीरों में देखिए मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि वो इस गाड़ी से नहीं जाएंगे, खुली गाड़ी पे वो जरूर उनके सपोर्टर्स ने उन्हें इस वक्त बिठाया है, लेकिन वो दूसरी गाड़ी से यहाँ से बेतिया के लिए रवाना होंगे। लगातार जो सपोर्टर्स हैं वो उनको घेरे हुए हैं। तस्वीर देखिए, सीधे तौर पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मनीष कश्यप बेऊर जेल से बाहर आ चुके हैं। 12:25 का वो वक्त था जब मनीष कश्यप बेऊर जेल से बाहर आए हैं। तमाम तरह की परेशानियां हुई, कल भी कोर्ट का पेपर करेक्ट नहीं था तो उसको लेट इवनिंग करेक्ट करके मंगवाया गया, उसके बाद बेतिया से प्रोडक्शन वारंट पे मंजूरी नहीं मिली थी और आखिरकार आज प्रोडक्शन वारंट पे मंजूरी मिली। उसके बाद एडवोकेट भी आए और उसके बाद मनीष कश्यप को भीड़ के बीच ही, चूँकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देखिए अभी भी माला जो है वो पहन रहे हैं वो मनीष कश्यप। और तस्वीरों में देखिए इस वक्त तो हम तस्वीर आपको सीधे तौर पे दिखा रहे हैं कि मनीष कश्यप जो हैं इस वक्त बेऊर जेल से रिहा हो चुके हैं और धीरे धीरे अपने समर्थकों के साथ वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वो उनकी एक झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल जो बेऊर जेल प्रशासन है ने रिहा कर दिया है। लगातार आगे बढ़ते हुए मनीष कश्यप और देखिए अब मनीष कश्यप उनको किसी ने गमछा दिया और सर पर पगड़ी बांधते हुए गमछा बांध रहे हैं वो, और इस वक्त तस्वीरों में मनीष कश्यप नजर आ रहे हैं, उनकी गाड़ी उनका इंतजार करती हुई। अब देखिए मनीष कश्यप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, फूल और मालाओं से लदे हुए, हाथ में तिरंगा लिए हुए मनीष कश्यप, और अब उनके सपोर्टर्स लगातार उनके समर्थन में बहुत ज्यादा उत्साह इनके समर्थकों के ऊपर देखा जा रहा है। और न केवल उनके सपोर्टर्स बल्कि मनीष कश्यप के चेहरे पर भी खुशी जो है वो देखते ही बन रहा है और बिल्कुल बिहारी स्टाइल में, बिहारी मुरेठा, गले में माला, हाथ में तिरंगा, और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो लगातार उनको घेरे हुए। और तस्वीर देखिए मनीष कश्यप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए तस्वीरों में लगातार उनके सपोर्टर्स उनको माला भी पहना रहे हैं, जो चाहने वाले हैं, जो जान पहचान वाले हैं उनसे वो लगातार हाथ भी मिला रहे हैं। और देखिए मनीष सबको सैल्यूट करते हुए, सलाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, अभिवादन जोड़ते हुए, और इस वक्त उनके समर्थक जो हैं वो नजर आ रहे हैं चारों तरफ, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। और इस वक्त मनीष कश्यप अब आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि उत्साह इस वक्त चरम पर है और मनीष कश्यप की एक झलक पाने के लिए लगातार उनके सपोर्टर्स जो है वो व्याकुल हैं, आतुर हैं। और 9 साल की अवधि कोई कम नहीं, 9 महीने की अवधि कोई कम नहीं होती है, 9 महीने तक लगातार जेल में बंद रहे, चेन्नई से लेकर बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल में भी वो बंद रहे हैं और आखिरकार आज मनीष कश्यप रिहा हुए हैं और अब उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। लगातार धीरे धीरे उनके समर्थक भी उनकी गाड़ी को छोड़ने को तैयार नहीं है और मनीष कश्यप इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आगे से उन्हें दूसरी गाड़ी से बेतिया के लिए रवाना होना है और निश्चित तौर पर जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका उत्साह, उनका नारा ये बताने को काफ़ी है कि वो मनीष कश्यप को किस कदर चाहते हैं और मनीष कश्यप के प्रति उनके दिल में कितनी इज्जत है। फिलहाल मनीष कश्यप जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसी गाड़ी पे अब भी सवार हैं वो और जो उनके चाहने वाले हैं वो भी उनके साथ हैं और धीरे धीरे ये काफिला जो है
वो आगे बढ़ रहा है और बेऊर जेल से तकरीबन हम 200 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब भी मनीष कश्यप लगातार अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ते हुए, और ये भीड़ बताने को काफ़ी कि मनीष के कितने फॉलोअर हैं, मनीष कश्यप के कितने सपोर्टर्स हैं जो उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनकी एक झलक लेना चाह रहे हैं, तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी इस वक्त मनीष कश्यप का नाम सुनकर रुक गए हैं। कई गाड़ियां जो इस रास्ते से गुजर रही हैं वो गाड़ियां भी रुक गई हैं, और बस मनीष कश्यप को देखने के लिए। तो कह सकते हैं कि मनीष कश्यप के साथ इस वक्त लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ गई है, और मनीष कश्यप इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मनीष कश्यप बिहार के साथ लोगों की भीड़ इस वक्त मौजूद है, और मनीष कश्यप जो है वो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भीड़ से घिरे हुए हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स। और मनीष कश्यप 9 महीने के बाद जेल से बाहर आते हुए, उनके सपोर्टर्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार उनके सपोर्टर्स जो है जुटे हुए हैं यहाँ पर। और ये भीड़ बताने को काफ़ी कि उनका कितने फॉलोअर्स हैं, उनको कितने चाहने वाले हैं। तो मनीष कश्यप के सपोर्टर्स लगातार आगे बढ़ते हुए बेऊर जेल से काफ़ी आगे आ गए हैं मनीष कश्यप और उनके समर्थक, और अब दूसरी गाड़ी में सवार होते हुए हम बेतिया के लिए रवाना होंगे। और ये सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा पा रहे हैं मनीष कश्यप की, और मनीष कश्यप के लिए रवाना होंगे। और देखिए किस कदर यहाँ पर भीड़ जो है वो जुटी हुई है। मनीष कश्यप चाहने वाले सुबह से ही पटना के बेऊर जेल में मौजूद थे, सुबह तकरीबन 5:30 बजे का वो 5:30 बजे का वो वक्त था जब वो यहाँ पर मौजूद थे। और इस वक्त मनीष कश्यप पूरा रोड जो है ऐसा है, भाई भाई बढ़ाने बोलिए उनको भैया पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए व्हाइट शर्ट, गाड़ी थार और उस पर खड़े होकर मनीष कश्यप निकल रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। हुजूम इतनी ज्यादा कि गाड़ी धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रही है, क्योंकि लोग उन्हें घेरे हुए हैं, फूलों की माला पहनाई जा रही है, फूलों की बारिश की जा रही है, और हो भी क्यों ना,
लंबे वक्त के बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर आए हैं। 9 महीने वो जेल में रहे हैं और उसके बाद जब वो बाहर आए हैं तो यहाँ पर देखिए समर्थक खुशी से प्रफुल्लित हो रहे हैं और ये सभी इतने उत्साहित हैं कि मनीष कश्यप से मिलना चाहते हैं। और ऐसे में बेऊर जेल से थोड़ी ही आगे अभी गाड़ी निकली है क्योंकि हुजूम काफी ज्यादा है लोगों का और बीच से ये गाड़ी होती हुई गुजर रही है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप यहाँ से अपने घर बेतिया जाएंगे और सबसे पहले अपनी माँ से मुलाकात करेंगे क्योंकि 9 महीने वो जेल में रहे हैं और हमने भी आपको खबरें दिखाई, वो बताया किस तरीके से उनकी जो माँ है वो इस आस में होती थी कब बेटा वापस लौट कर आएगा। और आज वो वक्त है जब मनीष कश्यप बेतिया जाएंगे तो अपनी माँ से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर है ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है कि मनीष कश्यप में लोगों का कितना क्रेज है और लोग जो है वो कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। क्योंकि जब से खबर मिली थी कि मनीष कश्यप आज बेऊर जेल से बाहर आने वाले हैं उसी वक्त से, और ये देखिए मनीष कश्यप कुछ कह रहे हैं न्यूज 18 से बातचीत कर। न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरी माँ का भी इंटरव्यू आप लोगों ने लिया, मेरा भाई का भी इंटरव्यू लिया। हालांकि शुरू में मीडिया वाले कुछ गलत दिखाए मेरे बारे में, चूंकि उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, सरकार जो कहेगा, संविधान जो कहेगा उसका बात मानेगा। लेकिन बाद में मीडिया वालों को पता चला कि नहीं, मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया है, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। भैया इतना बात कहूंगा जरूर कि जो सवाल आज मेरे से आप दिल से पूछिएगा वही सवाल आप अपने दिल से पूछिएगा कि बिहार में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है और उसे आखिर कौन बदलेगा। बस वही सवाल जो मेरे से पूछिएगा वही आप अपने से पूछ लीजिएगा तो जवाब आपको मिल जाएगा। सारे सपोर्टर सुबह से कल से इंतजार हो रहा है, उतरिए ना उजगड़िया का, क्लियर कराइए लोग ना महाराज, जितना लोग है समर्थन क्या चाहेंगे। देखिए आप अपना कैमरा घुमा दीजिए चारों ओर दिखा दीजिए, सब ये मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के लोग हैं, युवा हैं, जिनको ये उम्मीद है कि कहीं नहीं तो कहीं अब बिहार बदलेगा, इनको उम्मीद है। और वो मेरे से नहीं बदल सकता है बिहार, वो भैया आपको बदलना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा, इन सबको बदलना पड़ेगा, तब जाके बिहार बदलेगा। समर्थन है तो आप लगता है बदल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण भी चाह के अकेले नहीं युद्ध जीत सकते थे, महाभारत में उनको अर्जुन की जरूरत पड़ी। आप या मैं चाह के जो है हम लोग बिहार नहीं बदल सकते हैं, देश नहीं बदल सकते हैं, इसमें हर किसी की जरूरत पड़ेगी तब जाके हमारा बिहार बदलेगा। एकदम बिल्कुल गाँव जाएंगे, माता जी से जरूर मिलेंगे, महीने के बाद मिलेंगे। मेरी नानी को कैंसर हुआ है, मैं उनका इलाज एम्स में कराता था, मुझे जेल में डाल दिया गया, नानी बेड पे पड़ी हुई है मेरी, जाके आप लोग देखिए, जाके देखिए, अभी जाके देखिए कि नानी फोर्थ स्टेज कैंसर में, अब पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 9 महीने से मैं जेल में था और मैं इलाज कराता था उनका, दर दर की ठोकरे खाया है IGIMS में, उसके बाद से नहीं हुआ तो मैं एम्स में जाके इलाज कराया उनका। अब जरा सोचिए, वो अभी बेड पे पड़ी हुई है, जाके देखिए, यह स्थिति है। इन लोगों के भी घर में दादी, नानी, पापा, मामा, काका बीमार होंगे और इन लोगों के भी, उन लोगों का इलाज नहीं होता है अस्पताल में, यह स्थिति है। उसके बावजूद भी मैं जेल काट के आया हूँ और मैं काला पानी का सजा काट के आया हूँ, मुझे तमिलनाडु में भेज दिया गया, ऐसा लग रहा था कि मैं बिहार का आतंकवादी हूँ, ऐसा मुझे वहां पे भेज दिया गया। कम से कम सर माना चाहिए यहाँ के नेताओं का, और ये लोग सोचे हम डर जाएंगे। नेल्सन मंडेला जो है वो 30 साल तक जेल में रहे, हम भी नहीं डरेंगे, ये गारंटी है। इनको इनको जो करना है कर ले, क्या करेंगे, मर्डर थोड़ी किए हैं, जो करना है कर ले, जितना दिन जेल में रखना है रख ले, निकलेंगे तो फिर वही चिल्लाएंगे, वही चिल्लाएंगे और वही काम करेंगे, निकलेंगे तो। हम डरने वाले नहीं हैं इन लोगों से, और बिहार का DNA इतना खराब नहीं है कि इन कंस से डर जाए। हम लोगों का जो है दशरथ मांझी का DNA है, हम लोगों का जो है गुरु गोविंद सिंह का DNA है, और हम लोग नहीं डरने वाले हैं। सर आगे क्या संकल्प लिया है आपने? बस आपके साथ मिलकर बिहार को बदल देना है, और उस जो आप पत्रकारिता कर रहे थे वो एकदम बिल्कुल 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 कंटिन्यू करेंगे। अगर पत्रकारिता से डर गए तो ये लोग समझेंगे कि हाँ, एक पत्रकार को हम लोग डरा के जो है उसकी पत्रकारिता को खत्म कर दिए। इन लोगों को खत्म करना है जो बिहार को दिम्बक की तरह, फेविकॉल की तरह कुर्सी पे बैठ के दिम्बक की तरह बिहार को नोच रहा है, वैसे वैसे नेताओं को खत्म करना है। लड़ने में काफी कर्ज हो गया, आपके भाई बता रहे थे बहुत ज्यादा। अरे आदित उतरिए ना, उसे हटवाइए ना, ये क्या ये लोग कर रहा है मजाक मेरे साथ, फिर केस करवा देगा सब मेरे ऊपर।
कर्ज को कैसे अदा करेंगे? क्या कर्ज हो गया आज परिवार के ऊपर केस लड़ने में, कर्ज को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अब जो करना है वो तो करेंगे ही, और कुछ चीजों को जो है मैं आज नहीं बता सकता, हम आपको जरूर बताएंगे भैया, जरूर बताएंगे। अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे मनीष? आप रो क्यों रहे हैं इतना? खुशी का आंसू है ये। मुझे उम्मीद नहीं था कि 9 महीना बाद जो आदमी जेल से निकलेगा, जिसको सरकार देशद्रोही साबित करने का प्रयास करेगा और कोर्ट उसे जो है रिलीज कर देगा, वो आदमी 9 महीना बाद जेल से बाहर निकलेगा तो इतना भीड़ आगे से लेकर पीछे तक पूरा। अरे चलते रहिए ना आप, अपने समर्थकों से बस ये लोग जो है शांति से रहे, नहीं तो फिर मुझे जेल में डाल देगा सब। आप लोग शांति से रहे। और देखिए राखी जो है वो बांधी जा रही है इस वक्त, मनीष कश्यप ये बहने जो है पहुंची हैं और राखी बांध रही है, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राखी बांध रही है आपको, हटवाइए ना ये सबको। ये तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा पा रहे हैं, तस्वीरों में देखिए कमाई है मनीष कश्यप की। और अब मनीष कश्यप बैठ गए हैं इसी गाड़ी पर और ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उनके सपोर्टर्स की जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तस्वीर यूं ही जारी रहेगी आगे तक जब तक नसीम कश्यप की गाड़ी नहीं होगी। और अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। तो बिल्कुल हमने आपको दिखाया कि मनीष कश्यप के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार। क्या आप जानते हैं च्यवनप्राश में है आधे से ज्यादा चीनी, इसलिए परिवार की सेहत के लिए चुने चीनी से बेहतर। श्री पुल के सहारे ही जिला मुख्यालय से जुड़ पा रहे हैं, इनके पास आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। गोविंदपुर घाट पर पुल बनाने की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि स्थानीय सांसद, विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारियों से कई बार इन्होंने पुल बनाने की मांग की, लेकिन सबों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। नाव से डर भी लगता है, किसी को डर भी लगता है, नाव से उतरने में चढ़ने में भी डर लगता है, कहीं कोई बात हो जाए उसके लिए भी। और प्लस कि इसमें क्या है कि कहीं नाव लेट भी होती है तो आदमी को रुकना ही पड़ता है, जिसको इमरजेंसी काम भी है। हम सरकार से यही चीज के लिए मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये पुल का निर्माण हो यहाँ पे। अहमदाबाद प्रखंड के लोगों में स्थानीय जन प्रतिनिधि के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को लेकर नाराजगी है। यहाँ के लोगों ने गोविंदपुर घाट पर पुल बनाने की मांग की है। अफीम की खेती करने वाले तस्करों को पकड़ने के लिए पलामू पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन के साथ स्पेशल टीम यहां जंगली इलाके में ट्रैक्टर से अफीम की फसल को बर्बाद कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अफीम माफिया बड़े पैमाने पर यहां पोस्ते की खेती कर रहे हैं। पाकी, मनातू और छतरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सैकड़ों एकड़ में लगी अफीम को ट्रैक्टर से रौंद कर बर्बाद कर दिया है। SDPO का कहना है कि जिले में अफीम माफिया को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। बड़े पैमाने पर नाजायज तरीके से जो ये पोस्ता की खेती हो रही है इसको नष्ट कर देना है और ग्रामीणों में जागरूकता लाना है। जंगली इलाके में पुलिस की कार्रवाई से अफीम माफिया के बीच हड़कंप मचा है। पलामू पुलिस का कहना है कि आगे भी अफीम की खेती करने वाले लोगों पर देश का भरोसा आएगी। छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सदस्यों ने यहां जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। महिला थाने में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम की यह तस्वीर मुंगेर जिले की है। DM के साथ यहां बड़ी संख्या में अलग अलग प्रखंड से छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। जागरूकता अभियान को लेकर DM का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए छात्राओं को सुरक्षा के साथ शिक्षा और समता की जानकारी दी जा रही है।
जो मुंगेर जिला में महिला थाना में स्थानीय विद्यालय है, वहाँ के छात्राओं को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा और पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक जानकारियाँ हैं वो सब दी जा रही हैं। शिक्षा, समता और सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रही छात्राओं में उत्साह का माहौल है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारी जिले के अलग अलग हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाने में जुटे हुए हैं। मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित खेल प्रतियोगिता में जमकर हंगामा हुआ। यहां सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में छात्र के दो गुट आपस में भिड़ गए। मामूली विवाद में छात्रों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। घटना में कई छात्रों को गंभीर चोट आई। इसी दौरान गुस्साए छात्रों ने करीब दो घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन से दरभंगा से सहरसा जंक्शन होते हुए पूर्णिया जाने वाली जानकी एक्सप्रेस के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेल पुलिस के साथ सिंहेश्वर थाना के पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर छात्रा को शांत करा दिया। कुछ लड़के थे वो मैं यहाँ पे खड़ी थी, वहाँ पे मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि भाभी के साथ फोटो लो, भाभी के साथ फोटो लो, भाभी बहुत अच्छी लग रही। सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने सिंहेश्वर थाने में मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र सौरभ सिंह, विनीत समेत कई छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मंदिर में चोरी कर रहे शातिर चोर को देखिए, बड़े ही शातिर तरीके से पहले मंदिर का गेट खोलता है, फिर मंदिर की दानपीटी उठाकर निकल जाता है। बेखौफ चोर की ये तस्वीरें खगड़िया जिले की हैं। यहां मानसी थाना इलाके में प्रसिद्ध कात्यायनी मंदिर में चोरों ने दानपीटी से कैश की चोरी कर ली है। हालांकि चोर की करतूत मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर गेट खोलकर चोरों ने दानपीटी समेत कैश की चोरी कर ली है। सीसीटीवी वीडियो को खंगाला गया। कात्यायनी मंदिर में चोरी करने वाले शातिर चोर को मानसी थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर गोपालगंज पुलिस ने चोरी किए गए कार के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। मीरगंज थाना इलाके से गिरफ्तार चोर ने दिल्ली से कार की चोरी कर बिहार के अलग अलग हिस्सों में बेचने की बात स्वीकारी है। दिल्ली से गाड़ी चुराई गई थी और उसका नंबर प्लेट बिहार का लगाया गया था। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन, मैथन स्टील निर्माण का मानदंड। बेऊर जेल से बाहर निकले यूट्यूबर मनीष कश्यप, फूल माला पहनाकर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, न्यूज 18 की टीम को दिया धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरी मां का भी इंटरव्यू आप लोगों ने लिया, मेरा भाई का भी इंटरव्यू लिया। जमीन के बदले नौकरी मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी को ईडी ने फिर जारी किया समन, 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बेतिया के लाल बाजार में लगी भीषण आग, आग पर पाया गया काबू, घर के सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। आरा में सीनेट बैठक का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छात्रों ने यूनिवर्सिटी का तोड़ा गेट। और महाबोधि मंदिर में विश्व शांति की हुई प्रार्थना, धर्मगुरु दलाई लामा के साथ 35 देश के श्रद्धालु हुए शामिल। आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार, इस हफ्ते की जारी बार की रेटिंग में 70.9% के साथ नंबर 1, भरोसा बनाए रखने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन, मैथन स्टील निर्माण का मानदंड। आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में कि बेऊर जेल से हुए बाहर आ गए हैं और तमिलनाडु में कथित तौर पर मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने और हथकड़ी पहनते हुए तस्वीर वायरल करने के मामले में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप बेऊर जेल से बाहर आए हैं। जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप ने एक बार फिर से बिहार को बदलने की बात कही है। न्यूज 18 की टीम का भी मनीष कश्यप ने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि सरकार से डरने वाले नहीं है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, बिहार का डीएनए इतना खराब नहीं है कि कंस से डर जाए। कश्यप निकल गए हैं, मनीष कश्यप आप तस्वीरों में देख सकते हैं और उनके समर्थक लगातार उनको हटने के लिए कह रहे हैं। चारों तरफ इस वक्त मनीष कश्यप को लोग देखने
सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरी माँ का भी इंटरव्यू आप लोगों ने लिया, मेरा भाई का भी इंटरव्यू लिया। हालांकि शुरू में मीडिया वाले कुछ गलत दिखाए मेरे बारे में, क्योंकि उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, सरकार जो कहेगा, संविधान जो कहेगा उसका बात मानेगा। लेकिन बाद में मीडिया वालों को पता चला कि नहीं, मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया है, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दिल्ली